हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक करंट अफेयर की इस सीरीज में। हम लोग थोड़े दिन से इसमें डिले हो रहे हैं, लेकिन चूंकि अब कंपाइलेशन वीडियो का रिवीजन का समय आ गया है, चूंकि अभी पूरा देश कोरोना के महामारी के चपेट में है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे व्यतीत कीजिए, पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, और रिवीजन जितना हो सके करते रहिए। मैंने सोचा है कि जो मैथमेटिक्स का मैं सीरीज चला रहा था उसको फिर से रिज्यूम करूं, तो देखता हूं जितना जल्दी हो सके मैं वो भी काम करूंगा। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 2020 नामक नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा जी। ये मिलन 2020 है, इसमें दुनिया भर के 40 से ज़्यादा देश, मतलब कुल 41 देश को निमंत्रण दिया गया है। इस वर्ष का थीम है इसका सिनर्जी अक्रॉस द सी। ठीक है, मिलन का पूरा नाम क्या है? मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास है जी। बहुपक्षीय मतलब बहुत सारे देश। भारत सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने की तैयारी कर रही है? तो भारत सरकार जम्मू कश्मीर में करेगी जी। ठीक है, जम्मू कश्मीर नवनिर्मित क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो बनी है, तो यहाँ किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अप्रैल 2020 में किया जाएगा जी। आप मुझे जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के राज्यपाल के नाम बताइए। बीते दिनों 14 फरवरी 2020 को किन दो महानगरों के बीच पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो अब तक इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक इंटरसिटी ट्रेन के नाम सुना होगा आपने, ये बस है जी, और ये मुंबई और पुणे के बीच में चलाई जाएगी। ठीक है, इस बस सेवा को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस बस में कुल 43 लोग बैठ सकते हैं जी। एक बार चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर तक चल सकता है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों में बदलाव किया की मांग की है? तो ये राज्य है जी राजस्थान। राजस्थान के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ही इसमें बदलाव की मांग की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ जिले 33 है जी। राजभाषा मारवाड़ी और हिंदी है। गठन 30 मार्च 1956 को हुआ था। राज्यपाल कालराज मिश्र हैं, और मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया अशोक गहलोत। सचिन पायलट यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं जी। विधानसभा में यहाँ 200 सीटें हैं। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 12 फरवरी 2020 को किस देश के लिए एक प्रस्ताव पारित करके दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है? तो ये एक अफ्रीकी देश है जी, लीबिया। लीबिया अफ्रीका के आप कह सकते हैं, उत्तरी अफ्रीका की देश है, और यहाँ पर किसके द्वारा? यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा ये किया गया है। द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड 2020 के रिपोर्ट के अनुसार ब्रांड वैल्यू, जिसको बोलते हैं ब्रांड मूल्य, में सबसे ज़्यादा वृद्धि के मामले में बैंकों की सूची में सबसे ऊपर कौन से बैंक है? तो सबसे ऊपर है जी इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक के MD और CEO हैं रोमेश सोबती, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। मैक्सिमम बैंकों का मुख्यालय मुंबई में ही है जी। इंडसइंड बैंक के जो टैगलाइन है वो है वी मेक योर फील रिचर, वी मेक योर फील रिचर। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये अपने ही देश में किया जा रहा है जी, गुजरात में किया जा रहा है। दुनिया भर के अभी तक जो स्टेडियम है वो मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उससे भी बड़ा अब गुजरात में किया जाएगा जी। ठीक है ना, गुजरात में मोटेरा जो है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, उसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। अब तक जैसा कि मैंने बताया मेलबोर्न दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बीते दिनों नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये पुडुचेरी है जी। पुडुचेरी के बारे में आप जानते हैं, वहाँ वो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसने CAA को विरोध किया। वहाँ के LG हैं जो, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, वी नारायण स्वामी वहाँ के CM है जी। वहाँ चार जिले हैं, पुडुचेरी, कैराकल, यमन और माहे, और चारों चार स्थान पे आपको डायग्राम में फोटो में दिख रहा होगा। बीते दिनों किसने कोरोना वायरस के चलते वर्ष 2020 के वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 2.3% से घटाकर 2.2% कर दिया है? तो ये किया है EIU ने जी। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने।
इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट के एमडी हैं रॉबिन वेब, और इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है जी। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। आप मुझे बताइए, अभी अभी EIU ने एक इंडेक्स जारी किया, उस इंडेक्स का नाम बताइए और उसमें भारत का रैंक क्या है वो भी बताइए। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पूर्वी इम्फाल के अरपट्टी माइलिकाई में आंगन फुआ हुंगबा, इसका मतलब होता है धान की नई फसल, कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये है जी मणिपुर के, आपको पता होगा ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस घोषणा को किया है जी। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। राजधानी चेन्नई है, 32 जिले हैं, राजभाषा तमिल है, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, जिन्होंने ही ये घोषणा इस घोषणा को किया है जी। यहाँ के जो हाईकोर्ट है मद्रास हाईकोर्ट है, विधानसभा में 235 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-2019 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन सी रही है? तो भैया सबसे अधिक मुनाफे वाली सरकारी कंपनी है जी ONGC। ठीक है, अब जानते हैं। दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तीसरे नंबर पर NTPC। इनका जो योगदान रहा है 15.3%, 9.68% और 6.73% क्रमशः। ठीक है, जबकि एयर इंडिया, BSNL और MTNL को सर्वाधिक नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए। बीते दिनों विश्व पेंगोलिन दिवस यानी वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया जी 15 फरवरी को मनाया गया, लेकिन ये हर बार 15 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन डे के रूप में मनाया जाता है जी। तो आपको पता चलना चाहिए, और इस बार तीसरा शनिवार था, कब? 15 फरवरी को। इस साल 9वां विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया, तो आप दोनों याद रखेंगे, एक तो 15 फरवरी तीसरे शनिवार और 9वां। बीते दिनों IFAD गवर्निंग काउंसिल की 43वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये रोम में किया गया जी, इटली के कैपिटल सिटी है रोम। हम IFAD के बारे में जानेंगे, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। इसका स्थापना हुआ था 1977 में, इसके अध्यक्ष हैं गिलवर्ड एफ होंगबो और मुख्यालय जैसा मैंने बताया रोम इटली में। हिंदी में इसको बोलते हैं कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। बीते दिनों किस रेलवे जोन ने ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल जिसको कहते हैं पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ये है जी दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है ना, SCR जिसको बोलते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने कुल 13 रेलवे स्टेशनों को ऊर्जा तटस्थ स्टेशनों में बदला है। पहले कुल 17 रेलवे जोन हुआ करते थे, अब 18 हो गया जी। साउथ कोस्ट रेलवे जोन है जो नया है, जिसका आप हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम जानते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में, आप एक बार सारे रेलवे जोन का नाम रिवीजन कर लीजिए। बीते दिनों किसने गुजरात के गांधीनगर में जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 13वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किए हैं जी श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। इस सम्मेलन का विषय है माइग्रेटरी स्पेसिस, कनेक्ट द प्लानेट एंड बी वेलकम देम होम। हिंदी में बोलेंगे, इस उपग्रह को जोड़ने वाली प्रवासी प्रजातियों का स्वागत है, बहुत ही सुंदर थीम है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह के 5 दिन कार्य दिवस करने का ऐलान किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है जी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास करीब 20 लाख एम्प्लॉय हैं, अब ये 5 दिन 5 वर्किंग डे इनके पास होगा, ये व्यवस्था 29 फरवरी से प्रभावी होगा। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने हैदराबाद में 17 फरवरी से 19 फरवरी 2020 तक चलने वाली बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन किया है? तो ये किया है जी तेलंगाना सरकार ने, ठीक है ना, बायो एशिया 2020 का आयोजन। इस शिखर सम्मेलन का विषय है टूडे फॉर टुमोरो, और इस समिट का मुख्य उद्देश्य जीव विज्ञान कंपनियों की क्षमता और उनके निवेश के बारे में पता लगाना है। बीते दिनों किसने श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर समिति का आधिकारिक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जी, ठीक है ना। इस वेब पोर्टल को
उत्तराखंड राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं मोहन प्रसाद थापलियाल और उपाध्यक्ष हैं अशोक खत्री। इसके CEO हैं BD सिंह। अब बात उत्तराखंड की आई है तो राजधानी देहरादून है, 13 जिले यहाँ हैं और राजभाषा यहाँ की हिंदी और संस्कृत है जी। गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के किया गया था। इसको राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा में यहाँ 71 सीटें हैं, दिल्ली में भी 70 सीटें हैं जी। बीते दिनों किसने सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में नगर पालिका बॉन्ड विकास समिति का गठन किया है, तो ये किया है सेबी ने। SEBI का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के मुख्यालय मुंबई में है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सेबी के अध्यक्ष जो हैं अजय त्यागी हैं, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। बीते दिनों ब्रिटेन द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता का प्रभारी किसे चुना गया है, तो ये हैं आलोक शर्मा, बिल्कुल इंडियन हैं और ये ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में भी हैं जी। प्रीति पटेल और ऋषि सुनक भी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और राजधानी तो लंदन पता ही है। UK में UK पाउंड चलता है। बीते दिनों किसने रविवार को रामलीला मैदान में लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ऑफकोर्स ये अरविंद केजरीवाल हैं। गजब के विक्ट्री इन्होंने दिखाया जी। 70 सीटें वहाँ विधानसभा में है, उसमें से 63 जीते हैं इन्होंने, ठीक है ना। लास्ट टाइम 67 जीते थे ये। इन्होंने अपने कैबिनेट में 6 मंत्री भी शामिल किया है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, राजेंद्र पाल गौतम। बीते दिनों किस स्क्वैश खिलाड़ी ने 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में जीत हासिल की है, तो ये हैं सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा, दोनों जी, ठीक है ना, दोनों ने ये जीत हासिल किया अपने अपने वर्ग में, पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में। अभिषेक प्रधान को हरा करके सौरभ घोषाल ने, जबकि तान्वी खन्ना को हरा करके ज्योत्सना चिनप्पा ने ये खिताब अपने नाम किया है। 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है, तो ये फिल्म गली बॉय है और गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। चलिए कुछ और अवार्ड मिला है उसके बारे में जानते हैं। बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर, बेस्ट फिल्म क्रिटिक चॉइस आर्टिकल 15, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में रणवीर सिंह, बेस्ट एक्टर क्रिटिक चॉइस आयुष्मान खुराना, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल की बात किया जाए तो आलिया भट्ट और क्रिटिक चॉइस में भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी को, अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन सिनेमा गोविंदा को, बेस्ट सिंगर को अरिजीत सिंह मेल में और शिल्पा राव किसमें फीमेल में, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर आदित्य धर और बेस्ट डेब्यू एक्टर अभिमन्यु दसानी, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस की बात किया जाए तो अनन्या पांडे, ठीक है। चलिए बीते दिनों 17 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए किस बैंक के साथ $450 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत सरकार ने किया है जी विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में किया जाएगा। इसके तहत 78 जिलों में 8,350 गांव के पंचायतों में ये योजना के तहत लाभ दिया जाएगा जी। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। बीते दिनों भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसंधानकर्ताओं ने किस देश में 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की है, तो ये अपने देश भारत में खोजा गया है जी। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर मांडे एक जगह है, वहाँ किया गया है जी। चिली के पास सबसे ज़्यादा ये लिथियम का भंडार है 8.6 मिलियन टन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास 2.8 और फिर अर्जेंटीना के पास 1.7। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 6 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की है, तो ये घोषणा करने वाला राज्य है जी हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम मनोहर लाल खट्टर है, आप सभी को पता होगा, उन्होंने ही ये घोषणा किया है जी, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, वैसे चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जी, ठीक है ना। तो आप मुझे चंडीगढ़ के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके राज्यपाल जो हैं उनका नाम आप बताइए अगर आपको याद हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार
2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो इनका पिछला अनुमान था 6.6%, लेकिन अब घटा करके इन्होंने 5.4% कर दिया है जी। 2020 में भारत की वृद्धि दर मूडीज के अनुसार 5.4% रहेगा और 2021 के लिए इन्होंने बताया है 5.8%। बीते दिनों किस राज्य के उदयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, तो मैंने आपको बताया था ये किया गया है जी राजस्थान में, ठीक है ना। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया और ये मंत्रालय किसके पास है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। प्रधानमंत्री कार्यालय की घोषणा के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के दायरे में लाया जाएगा, तो ये घोषणा की है जी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को लाने की बात कर रही है, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों आंसर सही है। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना संविधान के 42वें संविधान संशोधन के पश्चात की गई थी, ठीक है ना, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बीते दिनों डिफिकल्ट डायलॉग्स का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अपने देश के गोवा के राजधानी पणजी में इस 5वां संस्करण का आयोजन किया गया जी, ठीक है। डिफिकल्ट डायलॉग यानी जिसे DD भी कहते हैं, दक्षिण एशिया में समकालीन प्रासंगिकताओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक मंच है। इस बार का जो डायलॉग्स का था स्टेट ऑफ लॉ पर फोकस किया गया था। लास्ट टाइम ये था एजुकेशन एल्यूमिनेटिंग द मिराइड फैसेट था, ये गोवा में किया गया, याद रखेंगे आप। बिटवीनो किसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी काशी एक रूप अनेक का उद्घाटन किया है, तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है जी। आप इससे रिलेटेड एक फोटो देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा, काशी एक रूप अनेक, ठीक है ना, इसका उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च की गई है, जिसमें हर जिले के एक शिल्प को चिन्हित किया गया है, तो ये याद रखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। बीते दिनों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे कैट बोलते हैं का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया जी नई दिल्ली में, ठीक है, देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस देश के महान रग्बी खिलाड़ी ब्रायन हवाना को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी में शामिल किया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं जी, इनका फोटो देखिए आप, दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानेंगे, दक्षिण अफ्रीका के पास 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव, बोलेफोंटीन जुडिशियल और कैपटाउन लेजिस्लेटिव, लेकिन सबसे बड़ा शहर की बात किया जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है, जहां 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था। बीते दिनों किस भारतीय खिलाड़ी ने अमेरिका में केयर्न्स कप चेस टूर्नामेंट को जीता है, तो ये जीतने वाली खिलाड़ी हैं कुनेरू हम्पी, ठीक है, ये इन्होंने अभी भी कुछ दिन पहले एक और कप जीता था, मैंने आपको बताया था, इनका फोटो देखिए, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। आप बताइए कि इन्होंने पिछले दिनों कौन से कप जीता था जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस खिलाड़ी ने लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो ये खिलाड़ी अपने देश के हैं जी, जिसे दुनिया भर में क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जीता है, सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। कुछ और अवार्ड है जो लॉरियस में दिया गया, मैंने 2 के बारे में बताया और ये स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लियोन मेसी और लुइस हैमिल्टन को संयुक्त रूप से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, तो आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ। चलिए जी, बीते दिनों एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये कल स्टार्ट हुआ जी नई दिल्ली में, अपने देश के राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया। लास्ट टाइम ये चाइना में किया गया था, ठीक है, और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम के KKD जाधव हॉल में आयोजित किया जा रहा है। 2017 में भी इंडिया में किया गया था, 2018 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था, वहीं 2019 में चीन के सांसी प्रांत जिसको बोलते हैं जी में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे।
बीते दिनों किस राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया है? तो ऑफ कोर्स ये पटना में किया गया है और बिहार सरकार द्वारा किया गया है जी। बहुत ही शानदार पहल है ये। यह अभियान राज्य में पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। चलिए बिहार के बारे में जानते हैं। राजधानी पटना है, जिले यहाँ 38 है जी। राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और विधानमंडल यहाँ द्विसदनीय है, यानी यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में यहाँ 40 सीटें हैं जी। यहाँ हाईकोर्ट पटना में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको आप इसरो कहते हैं, कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020-21 में कितनी पृथ्वी निगरानी उपग्रह, जिसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं, लॉन्च करेगा? तो कुल 10 अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जी इसरो के द्वारा। इसका काम होगा कृषि पर निगरानी रखने के लिए और सेनाओं को सीमा पर निगरानी रखने में मदद करेगा। बीते दिनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के संबंध में 2 दिवसीय बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो NCB द्वारा किया गया जी, अपने देश के राष्ट्रीय राजधानी वंस अगेन नई दिल्ली में, ठीक है ना। इसका उद्घाटन अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। बिम्स्टेक का पूरा नाम द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है जी। इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत है, ठीक है। चलिए, बीते दिनों राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको नाडा बोलते हैं, ने किस जेवलिन थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगा दिया है? तो ये खिलाड़ी हैं जी अमित दहिया। नाडा जो है वो स्पोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसका गठन 2005 में किया गया था। फेयर प्ले इसका मोटो है। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, आप जानते हैं इनको। इन्होंने कोच्ची पुलिस के साथ इस ऐप को लॉन्च किया है जी, ठीक है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिससे पहले त्रिवेंद्रम नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल टोक्यो में आयोजित किए जाने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 के आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या होगा? तो अभी जारी किया गया है जी जापान द्वारा, ये है यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। यूनाइटेड बाय इमोशन जारी किया गया है। हालांकि ओलंपिक का खुद का एक अपना मोटो है, आप जानते होंगे, उसको बोलते हैं फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर। लेकिन जो मेजबानी करता है जो देश, वो भी अपना एक आदर्श वाक्य रखता है, तो ये जापान ने रखा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं जी। बीते दिनों हरियाणा सरकार ने अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये अब रखा जाएगा सुषमा स्वराज जी के नाम पर, जो डिफेंस मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, विदेश मंत्री रही थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इस बस स्टैंड का को अब सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से जाना जाएगा जी। कहाँ पर है ये? अंबाला में है। एक्चुअली ये 2007 में इसको तोड़ दिया गया था, 18 करोड़ लगा करके फिर से इसको बनाया गया। किस देश में सड़क सुरक्षा पर मंत्री स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का 3रा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये स्वीडन में किया जाएगा। स्वीडन के कैपिटल आप जानते हैं स्टॉकहोम है, और वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा जी। ये 3rd है ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस रोड ऑन रोड सेफ्टी। ये 19 से 20 फरवरी के बीच, मतलब 2 दिन के होगा, और इसका विषय है अचीविंग ग्लोबल गोल 2030, ठीक है, पता चल गया होगा आपको। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व करेंगे वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। बीते दिनों किसने देश की पहली एकीकृत त्रि सेवा कमान की स्थापना करने की योजना की घोषणा की है? तो इस योजना की घोषणा की है जी जनरल बिपिन रावत, जो अभी अपने देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जिसे CDS कहते हैं, और ये अपने देश के पहले CDS भी बने हैं। इस जो एकीकृत त्रि सेवा कमान होगा, इसका जो नेतृत्व करेगा वो IAF यानी भारतीय वायुसेना के कोई अधिकारी द्वारा किया जाएगा। बीते दिनों गो एयर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? आप जानते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं इसको, और इन्होंने किया है जी विनय दुबे को, ठीक है। गो एयर ने जेट एयरवेज के पूर्व CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे को अपना CEO नियुक्त किया है। गो एयर के प्रबंध निदेशक यानी MD हैं जे बाडिया, और मुख्यालय इसके मुंबई में है जी। बीते दिनों
भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो पहले तो मुकेश अंबानी हैं, आपको पता होगा। दूसरे बने हैं राधा किशन दमानी। आपके शहर में अगर डीमार्ट है तो आपने वहाँ से शॉपिंग किया होगा। जी बिल्कुल, इन्हीं का वो डीमार्ट है। डीमार्ट के नाम से कारोबार करने वाले इनके पास 17.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और ये मुकेश अंबानी के बाद दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं। बीते दिनों किसने कैब में सफ़र करने वाले नागरिकों की बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उबेर के साथ अपनी हिम्मत प्लस ऐप को एकीकृत किया है? तो ये किया है जी दिल्ली पुलिस ने, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस ने उबेर के साथ हिम्मत प्लस ऐप को एकीकृत किया है। हिम्मत प्लस ऐप को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया था। दिल्ली में अभी चुनाव हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री तीसरी बार बने हैं अरविंद केजरीवाल। बीते दिनों किस भारतीय हवाई अड्डा को भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो आप बताइए। तो इसका सही आंसर है जी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? दिल्ली में है, अभी अभी मैंने बताया आपको। इसे सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया गया किसके द्वारा? CII ITC सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति चुनाव दोबारा जीत लिया है? तो आपको पता चल गया होगा ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं जी और ये दोबारा से करीब 9 लाख वोट लाए हैं, 51%। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अफगानिस्तान के मुद्रा अफगानी चलता है। राजभाषा यहाँ के फारसी और पश्तो हैं। राष्ट्रपति तो यही थे, प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला थे जो इस बार चुनाव भी लड़े थे। बीते दिनों किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है जी कपड़ा मंत्रालय। स्मृति ईरानी हैं इस मंत्रालय के मंत्री और इन्होंने कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन किया है जी। यह प्रदर्शनी भौगोलिक संकेत, शिल्प और भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही है। यह प्रदर्शनियाँ बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यह EPCH द्वारा प्रायोजित है। बीते दिनों कोयला क्षेत्र पर मंथन के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया जी, ठीक है। गुजरात में किया गया चिंतन शिविर का आयोजन। आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए। गुजरात के केवड़िया में कोयला क्षेत्र पर मंथन करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसके मंत्री हैं जी श्री प्रहलाद जोशी और अनिल कुमार झा कोल इंडिया के अध्यक्ष हैं। गुजरात की बात आई है तो राजधानी गांधीनगर है, 33 जिले हैं। राजभाषा गुजराती है। गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीटें। भारत के किन दो पड़ोसी देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति जताई है? तो ये पड़ोसी देश हैं जी बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और राजधानी ढाका है जी वहाँ, यानी बांग्लादेश में मुद्रा टका चलता है। नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें जाए तो KP शर्मा ओली हैं, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस देश ने बैरी ओ फ्रेल को भारत में अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये बने हैं जी ऑस्ट्रेलिया के हैं और भारत में उच्चायुक्त बने हैं, यानी अम्बेसडर नहीं बने हैं, उच्चायुक्त बने हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था अम्बेसडर और उच्चायुक्त में डिफरेंस। ये जो हैं वो हरिंदर सिद्धू के स्थान लेंगे और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है जी, मुद्रा यहाँ डॉलर चलती है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ये नाम रखा जाएगा जी अब मनोहर पर्रिकर के स्थान पर, ठीक है ना। ये गोवा के मुख्यमंत्री थे, 12वें मुख्यमंत्री बने थे। 13वें कौन है आप बताइए? 13वें मुख्यमंत्री का नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत और 28वें सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वर्ष 2021 में होने वाले जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा जी जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए और अब हम इसके बारे में बात करेंगे। भारत है जो दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पहली बार कब किया था? 2016 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में।
इस बार जूनियर विश्व कप में कौन कौन से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 6 यूरोप के, 4 एशिया के, 2 अफ्रीका के, 2 ऑस्ट्रेलिया और 2 पैन अमेरिका के हैं जी। ठीक है, FIH के CEO थियर बेल हैं, मोहम्मद मुश्ताक अहमद इसके अध्यक्ष हैं। बीते दिनों किस भारतीय राज्य ने अपना 34वां राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो एक्चुअली 2 राज्य हैं जी, आज हम बता रहे हैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश है जो 1987 में 20 फरवरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये 1972 तक इसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है ना, तो मैं दूसरे राज्य के बारे में कल बताऊंगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जिला 23 है और राजभाषा अंग्रेजी है। गठन 20 फरवरी को, जैसा कि मैंने बताया, 1987 को हुआ था। BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हैं जी। इसकी जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट जो असम में है उसके अंतर्गत आता है। जर्मनी में चल रहे 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर, अपने देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, मतलब विदेश मंत्री। ठीक है, इनका फोटो देखिए। इस का उद्देश्य है जी अपनी भागीदारी के जरिए भारत में वितरण, प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और विकास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूरो मुद्रा चलता है, चांसलर एंजेला मर्केल है। बीते दिनों हीरो ऑफ म्यूनिक के नाम से जाने जाने वाले पूर्व खिलाड़ी हैरी ग्रेग का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे, अगर आप जानते हैं तो बताइए, वो फुटबॉल खेलते थे जी और फुटबॉल में वो गोलकीपर थे। ठीक है, इनका फोटो देखिए और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इन्हें 2019 में इनको साल के ऑनर्स में OBE, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, से सम्मानित किया गया था लास्ट ईयर है तो 2019 में जी। ठीक है ना, बहुत बहादुर भी थे, इनके किस्से ब्रिटेन में सुनाए जाते हैं। बीते दिनों भारतीय चाय बोर्ड ने TTDC के सहयोग से रन फॉर इंडिया टी का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया गया जी त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा में TTDC, जिसका पूरा नाम त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, त्रिपुरा चाय विकास निगम के सहायता से किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल। बीते दिनों किसके द्वारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स API इंडस्ट्री पर एक बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति का पूरा नाम जानेंगे जी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने SBI के साथ MSME क्षेत्र के उद्यमियों को आसान और जल्दी ऋण मंजूरी देने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जी गुजरात सरकार के साथ। आपको फोटो में दिख रहे होंगे, गुजरात के राजधानी गांधीनगर है और विजय रूपानी जो कि फोटो में दिख रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, वर्ष 2022 में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC के महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश करेगा जी, भारत। इस बार 8 के बजाय 12 टीमें हिस्सा लेगी। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी 1979 में की थी, जब इसका आयोजन एशियाई महिला फुटबॉल परिसंघ के द्वारा किया जाता था। अब ये AFC के द्वारा किया जाता है, जो कि 1986 में बना है। AIFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। AIFF की स्थापना 23 जून 1937 को किया गया था। ये 1948 में फीफा में शामिल हुआ। मुख्यालय इसका द्वारका दिल्ली में है जी। बीते दिनों पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव टूरिज्म फेस्टिवल का आरंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया अगरतला त्रिपुरा में जी। ठीक है ना, अभी त्रिपुरा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने देखा था। इस उत्सव को मनाए जाने का उद्देश्य है त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देना और राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश के नागरिकों को राज्य के पर्यटन स्थलों से अवगत कराना है जी। ठीक है, CM और राज्यपाल के बारे में बताया मैंने आपको। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा किसे नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है? तो ये हैं संजय कोठारी, आप इनका एक फोटो देखिए,
संजय कोठारी को क्या चुना गया जी? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। संजय कोठारी अभी तक राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है। इसके मुख्यालय है नई दिल्ली में और गठन हुआ था फरवरी 1964 में और ये आयुक्त बने हैं। भारत में हर साल सोयल हेल्थ कार्ड डे यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है जी, ठीक है ना। लास्ट डे भी 19 फरवरी को ये मनाया गया, सोयल हेल्थ कार्ड डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को इसे राजस्थान में शुरू किया था, सूरतगढ़ में। कृषि मंत्री हैं जी नरेंद्र सिंह तोमर। मित्रों, किस भाषा के फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तापस पाल का निधन हो गया है? तो आप अगर आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस किस भाषा के राष्ट्रीय पार्टी है तो ये है जी बांग्ला, ठीक है ना। तो बंगाली भाषा के ये अभिनेता थे, हालांकि अबोध नाम के एक हिंदी फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ इनका बना था। बिदरीनो, आई अमेरिका की थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में कौन सा देश पांचवी सबसे बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? तो ये अपना देश भारत बना है जी। भारत के अब जो इकोनॉमी है 2.94 ट्रिलियन की है, जबकि ब्रिटेन के 2.83 ट्रिलियन और फ्रांस के 2.71 ट्रिलियन है। अमेरिका की बात किया जाए तो 21.44 ट्रिलियन, चीन का 14.14 ट्रिलियन, जापान का 5.15 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी का 4 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था है जी, जो कि चौथे स्थान पर है। अब अपना देश 2.94 के साथ पाँचवें स्थान पर आ गया है। बीते दिनों किस भारतीय राज्य ने अपना 34वां राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? तो मैंने कल अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया था। मिजोरम का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी का ही, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों सही हो गए। अब बात मिजोरम की आई है तो थोड़ा सा मिजोरम के बारे में डिटेल से जानेंगे। राजधानी इसका आइजोल है जी, जिले 8, राजभाषा मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। गठन 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री जो राम थंगा। विधानसभा में 40 सीटें, राज्यसभा में 1 सीटें, लोकसभा में 1 सीटें और हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट है। बीते दिनों किसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेजोस अर्थ फंड शुरू करने का ऐलान किया है? तो आप बताइए। बिल्कुल, जेफ बेजोस ने ये घोषणा किया है जी। आप इनका फोटो देखिए, अमेजन के ये CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अमेजन की स्थापना 1994 में 5 जुलाई को किया गया था और मुख्यालय इसके Washington DC अमेरिका में है। बीते दिनों बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो ये हैं रीवा गांगुली दास। अब फोटो में देखिए इनको, रीवा गांगुली दास को किया गया है जी। इस संगोष्ठी में कुल 12 भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया और इस सेमिनार का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग को आगे ले जाना है। बीते दिनों किस देश ने 19 फरवरी को अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया है? तो ये देश है जी नेपाल, अपना पड़ोसी देश है नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है। आप इससे रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए। नेपाल 104 साल के तानाशाह राणा शासन के खत्म होने के बाद मिली आज़ादी के उपलक्ष में हर साल फागुन के 7वें दिन यह राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाता है। चलिए नेपाल के बारे में जानते हैं। कैपिटल काठमांडू है जी। प्रेसिडेंट यहाँ के विद्यादेवी भंडारी हैं। वाइस प्रेसिडेंट नंद किशोर पुन हैं और PM हैं KP शर्मा ओली। करेंसी यहाँ भी रुपया चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को, ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इस वर्ष की थीम है क्लोजिंग द इनइक्विटीज गैप टू अचीविंग सोशल जस्टिस, ठीक है, थीम आप याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है, इसके लिए कितने वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 50,497 यानी सी ऑप्शन सही है जी, 50,497 करोड़ रुपये दिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। केंद्र सरकार के अनुसार इस वर्ष किस माह
के पहले सप्ताह तक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का गठन कर दिया जाएगा। तो अप्रैल माह इसके लिए निश्चित किया गया है जी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये कर दिया जाएगा। उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं रामविलास पासवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने नई दिल्ली में अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा में इंडिया एयरबुक, जिसको कहते हैं इंडिया 2020 वार्षिकी का विमोचन किया है। ठीक है, तो ये किए हैं प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है ना, इंडिया 2020 और भारत 2020, ये आप सब पढ़ते होंगे, इंडिया एयरबुक के नाम से इसको जाना जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, चलिए। बीते दिनों किसने भारत में 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, तो ये दिया है जी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है ना, जैसे अपन वित्तीय आयोग पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन, वैसे ही लॉ कमीशन होता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये 22वां होगा और 3 साल के लिए किया जाता है जी। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति BS चौहान। ठीक है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। लॉ कमीशन का गठन पहली बार 1955 में किया गया था और इसके बाद हर 3 साल बाद इसका गठन किया जाता है। बीते दिनों किसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है, तो यह है महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, इनको इस ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है जी। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए इनका। ट्रस्ट के महासचिव होंगे चंपत राय, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होंगे स्वामी गोविंद जी देव गिरिराज जी महाराज, और प्रधान सचिव जो प्रधानमंत्री के थे नृपेंद्र मिश्रा, वो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु में रामेश्वरम के धनुषकोडी में 50 मीटर ऊंचे आधुनिक लाइट हाउस की आधारशिला रखी है, तो ये हैं मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया। आप इनका फोटो देखिए, ये केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री हैं जी, मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया। आप नितिन गडकरी के मंत्रालय के नाम बताइए, कौन से मंत्रालय उनके पास है। वर्ष 2019 में 615 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन बनी है, तो वो हिंदी है जी। इंग्लिश और मैंड्रिन मतलब चीन में जो बोला जाता है, उसके बाद हिंदी है जो सबसे ज़्यादा दुनिया भर में बोली जाती है। ठीक है, इवन बंगाली भाषा भी 7वें स्थान पर है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में। कितने भारतीय शहरों में फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 का आयोजन किया जाएगा, तो कुल 5 शहर को चुना गया है जी फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए। आपको पता होगा हमने अंडर 17 मेंस फुटबॉल कप के भी मेज़बानी की थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार ये 5 शहर होंगे, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। फाइनल नवी मुंबई में खेला जाएगा 21 नवंबर को और 2 नवंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इसके आधिकारिक स्लोगन है किक ऑफ द ड्रीम। ठीक है, और इसका भी अनावरण किया गया। फीफा महिला फुटबॉल अधिकारी हैं सराय बेयरमैन और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में है। हालांकि मैंने इसको दोबारा बताया, आपको पहले भी रिवीजन करवा चुका हूँ, तो जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। आप फोटो में देख रहे होंगे यही हैं किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी। ठीक है, चलिए। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने का ऐलान किया है, तो ये राज्य है जी हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ये अलाउ किया है कि 10 रुपये में ये भरपेट खाना खिलाएंगे और ऐसे करीब 25 कैंटीन खोले जाएंगे शुरुआत में। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, चलिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। कंप्यूटर में कट कॉपी और पेस्ट की कमांड देने वाले कंप्यूटर साइंटिस्ट लैरी टेस्लर का निधन हो गया, वे किस देश के रहने वाले थे, तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि ये इन्होंने कट कॉपी पेस्ट दिया था। इनका फोटो देखिए, ये USA के साइंटिस्ट थे जी। ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इन्होंने एप्पल माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द ही अगला एपिसोड यानी 57 थे एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही समय व्यतीत कीजिए और जल्द ही अगला वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। नमस्कार।